बुलंदशहर के बाजार में अवैध उगाही और व्यापारियों के साथ मारपीट के आरोप में आईपीएस आदित्य बंसल के खिलाफ तहरीर दी गई। जिले के व्यापारियों ने अखिल भारतीय व्यापारी सुरक्षा फोरम के बैनर तले आईपीएस आदित्य बंसल के खिलाफ तहरीर दी है। आईपीएस पर पीड़ित व्यापारी और व्यापारी सुरक्षा फोरम के नगर अध्यक्ष को पीटने और परिजनों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया गया। बता दें आईपीएस पर कार्रवाई न होने पर व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन बाजार बंद करने की चेतावनी दी है। व्यापारियों की गई मांग पर पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बता दें गुस्साए व्यापारी ने बुलंदशहर एसएसपी दफ्तर पर आईपीएस आदित्य बंसल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। ये मामला बुलंदशहर के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का है। सर, एक आईपीएस ऑफिसर है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और आज व्यापारी एकता के जो या कार्यकर्ता है उन्होंने नारेबाजी किया, क्या कहेंगे? जहांगीराबाद व्यापार मंडल के व्यापारी बंधु पूरे संगठन के साथ आए हुए थे और कल चूंकि कांवड़ को दृष्टिगत अतिक्रमण हटवाए जा रहे हैं, इसी संबंध में जहांगीराबाद में भी अतिक्रमण हटाया जा रहा था, उसी के संबंध में कुछ कहा सुनी हुई जिसमें इनको असंतोष है। बाद में इनका कहना है कि रात में कुछ कर्मचारी थाने के सिपाही और दरोगा गए और ये जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी बंधु हैं इनके घर पे जाकर के इनके परिजनों से कुछ अभद्रता किया, ऐसा इनका आरोप है और इन्होंने ज्ञापन दिया है और इस पर बिल्कुल अगर इनकी शिकायत सही है तो उस पर कार्यवाही होगी। सर, उपभोक्ता फोरम के जो नगर अध्यक्ष हैं उनकी गर्दन वर्दन पे भी जो है चोट वोट के निशान है और थाने की हवालात में उन्हें बंद कर दिया गया बिना किसी मुकदमे के। हाँ, ये जैसे ही प्रकरण जानकारी में आता है एसएसपी महोदय के, उन्होंने तुरंत उनको थाने से छुड़वा दिया था रात में ही। और लगातार पुलिस पे चौथ वसूली के भी आरोप है व्यापारियों द्वारा। नहीं, अगर इस तरह से कोई गलत कार्य कर रहा तो कहीं से भी उसको संरक्षण नहीं है। जो शिकायतें उठाई गई हैं, जो प्रार्थना पत्र में बातें कही उसकी बिल्कुल अगर ये सही पाया जाए तो 100% उन लोगों के खिलाफ जो भी कर्मचारी इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं अगर ऐसा है तो उनके विरुद्ध हर हाल में कार्यवाही होगी, वहाँ से हटाए जाएंगे और जो भी कुछ संभव उचित कार्यवाही होती है वो किया जाएगा। नीरज, मेरा नाम रोहित पहाड़ी, मेरा नाम रोहित पहाड़ी, मैं व्यापारी सुरक्षा फोरम का नगर अध्यक्ष हूँ। रोहित पहाड़ी मेरा नाम है, व्यापारी सुरक्षा फोरम का मैं नगर अध्यक्ष हूँ। कल शाम 4 बजे अतिक्रमण चल रहा था जिसमें नगर पालिका की टीम थी और पुलिस टीम मौके पर थी। हम लोगों पर कोई सूचना थी, हमारे को जानकारी मिली कि हमारे व्यापारी में उगाही कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, जबरदस्ती रसीदें काट रहे हैं। मैं वहाँ पर पहुँचा, मेरे व्यापारीगण वहाँ पहुँचे और वहाँ पर जो है हमने अधिकारी से कहा कि अधिकारी से आईपीएस जो है आदित्य जी से कहा कि व्यापारी के साथ आप पहले मीटिंग करते उसके बाद अतिक्रमण चलवाते। उन्होंने किसी की ना सुनी, बोले तो तेरा नेता तो नेता बनना है, तेरी नेता करती 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। ये वहाँ से चले गए, आन फान हो गए। फिर रात 12 बजे मेरे घर पर आए मुझे 15-20 पुलिस जिनमें चौकी इंचार्ज हरिंदर कुमार भी मौके पर थे और कॉन्स्टेबल कपिल, दरोगा सुधीर और सुशांक और हरिंदर कॉन्स्टेबल और मैं कुछ लोग सिपाही ऐसे हैं जिनको मैं जानता नहीं, चेहरे से जानता हूँ। उन्होंने किवाड़ तोड़ी जिनमें मेरे घर की जाली वाली टूटी, मेरी मम्मी के साथ बदतमीजी करी। मैं डर गया और डर के मारे मैं छत पर चला गया। छत पर से ये मुझे घसीट के लाए, मेरी गर्दन भींची कपिल ने, हरिंदर ने, और मेरी गर्दन में बहुत दर्द है, गर्दन में बहुत ज़्यादा चोट है और जो है मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे बनियान बनियान फाड़ दिए। थाने में ले आए, थाने में जाने के बाद आईपीएस जो आदित्य बंसल है बोले तू नेता बनना, तेरी नेतागर्दी 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, जिसके ऊपर तू छलता है मैं उसको भी देख लूँगा। दूसरी बात, इन्होंने जो है गन्ना में मुझसे कह रहे तेरे पास धारा 353 के तहत मुकदमा दर्ज कर दूंगा, पूरे दिन कोर्ट कचहरी करता रहेगा। मुझे कॉन्स्टेबल कपिल ने गर्दन पकड़ के मुझे हवालत के अंदर डाल दिया। जब आदरणीय हमारे प्रदेश महामंत्री जी का फोन पहुंचा कप्तान साहब के पास, जब मुझे रात को छोड़ा गया। क्या मांगे आपकी? सर, अगर हम व्यापारी की आवाज़ नहीं उठाएंगे क्या हमारे साथ ऐसे होगा? हम ये चाहते हैं इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए और कॉन्स्टेबल कपिल, सुशांक, हरिंदर और दरोगा सुधीर पर इन पर सख्त कार्रवाई की जाए और आईपीएस आपको हटाया जाए। आज किस तरीके से एक आईपीएस ऑफिसर द्वारा बदतमीजी की गई है, क्या किया गया है व्यापारियों के साथ? कल नगर पालिका जहांगीराबाद द्वारा जहांगीराबाद में एनक्रोचमेंट अभियान चलाया गया था और उस एनक्रोचमेंट अभियान में नगर पालिका तो हिस्सा नहीं ले रही थी। आदित्य बंसल नाम के एक ट्रेनी आईपीएस हैं, वो रसीदें काट रहे थे 500 से 1000 रुपये की। अच्छा, उसके अतिरिक्त में कितना पैसा लिया जा रहा था व्यापारियों से? किसी की 500 ही काट रहे थे, किसी की 1000 की, किसी की 5000 रुपये की और बिना किसी पूर्व सूचना के ये सब कार्यक्रम चल रहा था।
जब ये आगे पहुंचे बाजार के अंदर, बाजार में व्यापारी एकत्र हो गए। व्यापारी सुरक्षा फोरम के नगर अध्यक्ष रोहित पहाड़ी जो मेरे बिल्कुल बराबर में खड़े हुए हैं, इन्होंने वहाँ विरोध किया। वहाँ हजारों की संख्या में व्यापारी इकट्ठे हो गए और ये वहाँ से पूरी टीम, दोनों पुलिस की भी और नगर पालिका की भी, चली गई। जो आदित्य हैं बंसल, इन्होंने इस लड़के को धमकी दी कि तेरी शाम तक ही सारी नेतागिरी निकाल दूंगा, तेरे तुझे बतलाऊंगा। तो उन्होंने उसी के तहत रात को 12 बजे पूरी जहांगीराबाद थाने की पुलिस एक सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में इनके घर पर भेज दी। घर के इनके दरवाजे तोड़ करके घर में इन्होंने एंट्री की। ये डर के मारे ऊपर भाग गए। तो इनकी मदर के साथ बहुत मिसबिहेव किया, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दी। फिर ये ऊपर से नीचे उतर आए तो इनको धकियाते हुए गला पकड़ के दो तीन कांस्टेबल थे और एक सिपाही थे, बाकी सब लोग साथ थे। उन्होंने इनके साथ बहुत मिसबिहेव किया और जा कर के डाल दिया इन्हें सीखचों के अंदर, जैसे ये कोई बहुत बड़े अपराधी हो। एक क्या है? हमारी मांग ये है कि ये जितने भी इसमें लोग हैं विद ये आईपीएस के सहित, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो FIR दर्ज करके, और नहीं तो कल से अनिश्चितकालीन बाजार बंद रहेंगे जहांगीराबाद।